हाय, चलिए आज ब्रेकफास्ट में बनाते हैं पत्ता गोभी के पराठे। एकदम क्रंची, करारे और स्वादिष्ट पराठे। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टफिंग बनाना पड़ेगा। तो एक बर्तन में थोड़ा सा तेल गरम करना है। तेल गरम हो जाए उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को आप चॉपर या नाइफ की मदद से बारीक काट लीजिए। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे आप पत्ता गोभी के साथ एक फाइनली चॉप करके अनियन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अनियन को मैंने स्किप किया है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से अगर अनियन ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब कुछ मसाले ऐड करते हैं ताकि हमारा पत्ता गोभी का फीलिंग एकदम स्वादिष्ट बने। तो सबसे पहले इसमें जाएगी बारीक कटी हुई ग्रीन चिली, उसके बाद ऐड करना है कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, इसे आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि मुझे तीखा पसंद है। थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला भी ऑप्शनल है, इसे आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करना है अपनी हेल्थ अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और लास्ट में आमचूर पाउडर। अब हाई फ्लेम पे सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक पका लेना है। याद रखिए फ्लेम को हाई रखनी है, अदरवाइज पत्ता गोभी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ेगी और हमारा पराठे का फीलिंग सब्जी में तब्दील हो जाएगा। हमें सब्जी नहीं बनानी है, सिर्फ मॉइस्चर कम हो जाए तब तक ही हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट तक पका लेना है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और लास्ट में धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो फाइनली फिलिंग तो तैयार हो चुका है, बट इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक पराठे का डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को 2 हाथों की मदद से इस तरह से मसल के ऐड करें। उसके बाद ऐड करना है अपनी हेल्थ अनुसार नमक और थोड़ा सा तेल। अब सभी चीज़ों को अच्छे से कंबाइन कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और एक फाइन सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है। पराठे का डो हमेशा थोड़ा सॉफ्ट रखें ताकि फिलिंग पराठे के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अदरवाइज पराठे बेलते वक्त पराठे में से फिलिंग बाहर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट डो तैयार हो चुका है, लेकिन ऊपर से थोड़ा और तेल ऐड करते हैं और थोड़ी देर इसे गूंथ लेते हैं। अब फाइनली डो तो हमारा तैयार हो चुका है, बट इसे कवर करके 10 मिनट का रेस्ट करने देना है ताकि पराठे का डो फूल के अच्छे से सेट हो जाए। अब 10 मिनट के बाद अब बारी है पराठे बनाने की। तो डो में से एक छोटा सा पोर्शन उठा के एक पेड़ा बना लेना है। इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला देना है या फिर सूखे आटे की मदद से थोड़ा बेल लें। अब जो पत्ता गोभी का फिलिंग हमने तैयार किया है उसे सेंटर में रख दीजिए और सभी तरफ से कवर करके सूखे आटे की मदद से एक राउंड शेप में पराठे को बेल लेना है। अगर आपका पराठा थोड़ा सा फटे तो घबराइए नहीं, इतना तो नॉर्मल है। तो हमारा परफेक्ट पराठा तैयार हुआ है। अब बारी है इसे सिकने की या फिर फ्राई करने की। तो गरम तवे के ऊपर पराठे को रख दीजिए। एक साइड हल्का सा सिक जाए उसके बाद इसे पलट देना है और दूसरी साइड भी हल्का सा सिक लेना है। उसके बाद तेल या घी लगा देना है और दोनों साइड से पराठे को अच्छे से फ्राई करना है। हल्का हल्का प्रेस करते हुए कम्प्लीटली कुक हो जाए तब
तब तक हमें पराठे को लो मीडियम फ्लेम पे रखना है। अगर हाई फ्लेम पे पराठे को फ्राई करते हैं तो पराठा जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है। तो फाइनली एक पत्ता गोभी का पराठा बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से आपको सभी पराठे को बना लेना है। अब बारी है इसे सर्व करने की। तो मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी का पराठा चटनी, पिकल और दही के साथ सर्व किया है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं तो इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी हमारा पत्ता गोभी का पराठा बनके तैयार हो चुका है। आप भी अपने घर पे पत्ता गोभी का पराठा बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।